तो आज फैक्ट्री पे है पाम ऑयल की रिगाड़ी मलेशिया में कुआलालंपुर में। आप वियतनाम का भी कर सकते हो बट यहाँ पे मेरा पर्सनल विजिट का रीजन नहीं, ये है वो ऑफिस इन सिंगापुर तो यहाँ से बाहर उड़ जाता है तो मैं आपको फैक्ट्री का विजिट करा था। तो आप एक लुक देख सकते हो कि कहाँ का है फैक्ट्री का। तो आपको इनसाइड लेके चलता हूँ, आप यहाँ पे टैंक पे लेके चलता हूँ सबसे पहले फैक्ट्री का टैंक कहाँ है। तो इस फैक्ट्री में ना यूजुअली लोग लाते हैं ऑयल एंड यहाँ पे स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड लिंक जो है ये डू हैव इनके पास टीम है तो कैपेसिटी भी अच्छा है इनका 4 वीक्स का है सो दैट आप कंटेनर का ला सकते हो। आइए आपको अंदर मिलेगा। यहाँ पे जैसे जेरी कैंस अवेलेबल होगा यूजुअली यहाँ पे चलता है 18 लीटर्स का बट 15 लीटर्स की डिमांड है, कस्टमाइज बनवा सकते हो। इट टेक समवेयर अराउंड 10 to 15 डेज अगर 15 लीटर का आपके पास कैन चाहिए तो टुक 10 to 15 डेज पर अगर आप 18 लीटर का लेते हो 18 kg टिन में 17 लीटर तेल आता है तो वो आपको 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पाम ऑयल की बात कर रहा हूँ ये 1 टन का है पूरा तो 1 टन के बाद आप ब्रिंग कर सकते हो। इसके अलावा ये आपके जेरी कैंस हैं जहाँ पे आप उससे मैं ड्रिंकिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पे एंड अंदर ये आपको फिलिंग्स का दिखा देते हैं तो ये पूरा फिलिंग्स के हिसाब से सो यू कैन ब्रिंग। तो ये सेटअप है जहाँ पे फैक्ट्रीज का। सो आई रिसेंटली बॉट पाम ऑयल तो मैं थोड़ा सा लिया था, नाउ आई एम जस्ट प्लानिंग टू बाय अनदर। सो आई वॉन्टेड टू सी द फैक्ट्रीज, मैं यहाँ पे हूँ जिसको भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इस इंडस्ट्री में उतरना है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस चलता कैसे है राइट। अब मैं ऐसे आया था आपको हर बोलो ऐसे बंद कर।